आपको मेरी स्क्रीन पे अभी टाटा स्टील का ये नज़र आ रहा होगा जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है। हेलो भाई, टाटा स्टील लिमिटेड से रिप्लाई आ गया है, क्या करना है जल्दी से जल्दी सजेस्ट कीजिए। इसके साथ साथ आपको दूसरा, अगर मैं दूसरा दिखाऊं, इन्होंने थैंक यू सर जी मेरा टाटा स्टील से रिप्लाई आ गया है, व्हाट कैन आई डू, या फिर क्या करना है। आप जिन्होंने अभी तक अपना मेल सेक्शन चेक नहीं किया है, अपना मेल जाके ज़रूर चेक करें, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया था, हर बंदे का 14th को टेस्ट है। अब वो स्टार्टिंग में जो आया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, आपको क्लियरिटी कर देता हूँ, उसके बाद जो एक वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर आज ही मैं उस पर वर्क करके, और मैं आपको ज़रूर ये बोल रहा हूँ, देखिए वैकेंसी कितनी हो वो नहीं पता है, लेकिन हम अपना, आप अपनी तरफ से एफर्ट कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूँगा, 3 दिन हम टाटा स्टील पर फोकस करेंगे और आपकी सबकी जॉब लगा के मान लेंगे। तो अगर आप देखिए, लेकिन आपसे मेरा एक ही वो है, आप जो है बस अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, क्या करें, क्योंकि देखिए हम, मेरा मोटिव है वीडियो बनाना और वीडियो को आप तक सही गाइडेंस पहुंचाना, बट आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज ये बनता है कि आपको यहाँ से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसे आगे कन्वे करना। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम पे, अपने इंस्टा पे या व्हाटएवर। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ रिप्लाई क्या आया है। ये एक रिप्लाई आया है, टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप फ्रॉम टाटा स्टील इनवाइट्स यू अ टेक डेमो टेस्ट ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। ये डेमो टेस्ट होने जा रहा है एसोसिएट इंजीनियर के लिए, जो इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था। इसके साथ साथ द ईमेल इज विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट इंजीनियर टाटा ग्रुप लिमिटेड अंगुल और कोपुली एंड साइबाबाद यूनिट। इन तीनों में से एक जगह आपका सिलेक्शन होना है, वो आपने जब इसको फॉर्म को सबमिट किया होगा तीनों में से एक लोकेशन आपने सेलेक्ट की होगी या फिर आपने तीनों ही कर ली होगी। इसके साथ साथ इन्होंने साफ साफ नोट में लिखा है, दिस इज अ सैम्पल टेस्ट, द फाइनल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 14th अगस्त। ये जो आप टेस्ट देंगे, ये जो आज देंगे, ये एक सैम्पल टेस्ट, और ये कब से कब तक होगा, और जो ये फाइनल टेस्ट होगा वो होगा 14 अगस्त को 2 बजे। वी विल सेंड अ सेपरेट ईमेल फॉर फाइनल टेस्ट। ये तो आपका नॉर्मल टेस्ट होगा, इसके बाद आपको सेपरेट ईमेल आएगी फाइनल टेस्ट के लिए। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग दिस फाइनल टेस्ट। अगर आप फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली या फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ए पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप विद वर्किंग कैमरा एंड माइक्रोफोन। दोस्तों आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन वो वर्क कर रहा हो, याद रखिए आपके पास कैमरा और माइक्रोफोन उसमें वर्क कर रहा हो तभी आप यहाँ टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अपने दोस्तों से मांग लीजिए, अपनी फैमिली में कोई मेंबर हो उससे ले लीजिए एक दिन उधार के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिक्वेस्ट करने में हमारी लाइफ सेट हो रही है, इसीलिए आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ इन्होंने लिखा है, नो मोबाइल फ़ोन आर टू बी यूज फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। जब भी आप टेस्ट देंगे तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, और ऐसा उनका सर्विलेंस बोलता है क्योंकि आप कैमरे की जो आपकी विजिबल की देखने का तरीका होता है उससे वो समझ जाते हैं कि आप बंदा फ्रॉड कर रहा है। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द असेसमेंट सेशन विद स्पीड ऑफ 512 kbps, 512 kbps की स्पीड होनी चाहिए। गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम आपके पास होना चाहिए, मोजिला फायरबॉक्स या तो सफारी या माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मेंशन ब्राउजर, जो भी ब्राउजर हो उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। क्लियर द कैचे यूज और ब्राउजिंग ये। उसके बाद क्लोज ऑल प्रोग्राम एप्लीकेशन माइट कोज पॉपअप, जो भी पॉपअप आते हैं साइड में चलते रहते हैं वो सब क्लोज होने चाहिए। काइंडली डिसेबल ऑल शेड्यूल अपडेट सो दैट देयर इज नो पॉपअप। तो आपने जितने भी शेड्यूल आपने डाल रखे हैं, मतलब किसी के बर्थडे का डाल रखा है, कोई मीटिंग का डाल रखा है, या किसी से मिलना है उसका डाल रखा है, वो सब कैंसिल कर दीजिएगा। इसके बाद ये तो आपको करना है, और क्या नहीं करना है दोस्तों, डोंट नोट नेविगेट अवे ट्रबल बिटवीन विंडोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज विदाउट विंडोज फॉर एनी रीजन वंस द टेस्ट। अगर आपको विंडो की जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बार बार नहीं करना है। इसके साथ साथ एनी क्लिक आउटसाइड द विंडो सेल बी कंसिडर्ड एज नेविगेशन, एनश्योर नोट टू आउटसाइड द विंडो ऑफ एनी रीजन। आपको बिना किसी रीजन के अगर आप विंडो से गायब जाते होते हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको तभी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एनश्योर द टेस्ट इज बींग अटेम्प्टेड इज इन इंटरप्रेटेड एनवायरमेंट।
और जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट में हो और आप बिल्कुल स्मूथ वर्क करें। डू नॉट रिफ्रेश द पेज, बार बार रिफ्रेश ना करें। और कैंडिडेट गाइड, ये एक गाइड दी है इन्होंने, इसको देख सकते हैं, ये सिक्योर लाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी पैसा गायब नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, जो नीचे टेस्ट बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। वंस यू हैव रीच द टेस्ट पेज, लॉन्च बटन, लॉन्च हो जाएगा टेस्ट और को सारे पॉपअप बंद कर देने हैं, यही है। वंस द परमिशन आर प्रोवाइडेड, और इसके साथ साथ वो रिक्वायर एंटर द रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपको कुछ चीज़ें डालनी है। क्या डालनी है? ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और टाटा स्टील रेफरेंस नंबर, जो भी आपका रेफरेंस नंबर था जब आपने सबमिट किया था वो अपना रेफरेंस नंबर डाल देना है। सिंस यू प्रोटेक्टेड टेस्ट, यू नीड टू शेयर योर करंट इमेज, आपको जब भी आपने वेब कैम से अपनी करंट इमेज भेजनी है। वंस सबमिटेड यू विल बी डायरेक्टेड टू सेक्शन इंस्ट्रक्शन पेज, इसके साथ साथ आपको टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाना। बिफोर यू प्रोसीड द टेक असिस्टमेंट चेक योर अवेलेबिलिटी, और ये डेमो टेस्ट होने जा रहा है 20 मिनट का, जो आपको चेक सिस्टम कंपेरेटिबिलिटी, ये आपको सिस्टम चेक बता देगा कि आपका सिस्टम जो है वर्क करने के लायक है नहीं है। तो आपको इस ग्रीन पे आपको डॉट कर लेना है अपने सिस्टम डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। इसके साथ साथ द टेस्ट बटन विल बी वैलिड ऑन 10 अगस्त, जो 10 अगस्त को ये जो स्टार्ट टेस्ट है इस पर क्लिक करके आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। फाइनल टेस्ट आपका तभी होगा जब आप डेमो टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, और डेमो टेस्ट क्या होगा? डेमो टेस्ट बिल्कुल आपसे बेसिक पूछा जाएगा, आपकी जो भी ब्रांचेस है, कोर ब्रांचेस है, उनसे रिलेटेड। तो बिल्कुल भी अनकॉन्फिडेंस मत होइए, जल्दी से जल्दी इसको दे दीजिए। और जिनको नहीं देना है, जिनको स्टार्ट नहीं करना है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं सारे कमेंट पढ़ के उसी के बिहाफ पे एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की आपके लिए ला दूंगा, चाहे मैं रात को बैठ के लाना हो या कल सुबह को लाना हो, बट आपको आप जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर किसी भाई के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं अरेंज हो पा रहा है या उसके पास वेबकैम नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो मेरे को जो है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, या फिर मेरे को पिन कर दीजिए, जिस भी दोस्त को नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ ट्राई करता हूं कि आपको मैं रेंट बेसिस पे कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा दूं। रेंट भी इतना नहीं, 500 रुपये जो आसपास आपके वाले हो, क्योंकि हमारा काम ही एक दूसरे की हेल्प करना है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बट हमें हेल्प जरूर करनी होगी। और इसी बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करेंगे, बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प होगी और मेरे साथ साथ आपकी भी हेल्प होगी। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। ये था एक छोटा सा अपडेट आपके लिए, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और इसको टेस्ट दे दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।